हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, कब होंगे इलेक्शन, किस किस डेट को होंगे और कब डिक्लेयर हो जाएगा इसका रिजल्ट, देखिए पूरी डिटेल। हरियाणा में बजा चुनावी बिगुल, इन जगहों में उपचुनाव की अधिसूचना जारी, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल, पूरा का पूरा शेड्यूल हम आपको बताएंगे कि कब इलेक्शन होने हैं, कब उनकी गिनती की जाएगी और कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अब हम देख लेते हैं पूरी डिटेल कि कहाँ कहाँ चुनावी बिगुल बज गया है हरियाणा में, और अब इसको देखकर लग रहा है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे तो पंचायत चुनाव भी जल्द ही करवा लेगी सरकार। इसके पीछे पीछे चुनाव आयोग द्वारा कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच लंबे समय से रुके हुए चुनाव को करवाने की शुरुआत होने लगी है। हालांकि अभी पंचायत लेकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अब उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव के साथ ही हरियाणा में जैसे सेटिंग हो जाएगी चुनाव की, तो उस हिसाब से ही पंचायत चुनाव भी सेट हो जाएंगे और पंचायत चुनाव भी हो जाएंगे, जल्द ही हो जाएंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद का उपचुनाव 12 सितंबर को होगा। मतदान के तुरंत बाद ही मतों की गणना की जाएगी और विजेता का नाम घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव में शहर के 22,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे और 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इच्छुक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। हरियाणा में पंचायती चुनाव का अभी इंतजार करना होगा, लेकिन इससे पहले धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन का उपचुनाव की घोषणा हो गई है और इसमें कुछ वार्डों के चुनाव भी होंगे। इसके लिए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद का उपचुनाव 12 सितंबर को होगा। वोटिंग होने के तुरंत बाद ही मतगणना होगी और परिणाम भी तुरंत ही घोषित कर दिया जाएगा। और आयोग की तरफ से धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये देखिए नोटिफिकेशन है, इसका पूरा ऑफिशियल लेटर भी है और ये बहुत बड़ा लेटर है और इसमें से हमने कुछ ही पार्ट आपको दिखाया है। जो ऑफिशियल लेटर आया है स्टेट इलेक्शन कमीशन हरियाणा की तरफ से, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग है, उसकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और इसमें पूरा का पूरा डिटेल है कि किस दिन कैसे कैसे पूरा शेड्यूल रहेगा इलेक्शन का। हम आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं कि कैसे कैसे शेड्यूल है इलेक्शन का। ये देखिए चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल, नामांकन 27 अगस्त से 2 सितंबर तक भरा जाएगा 11 से 3 बजे तक, 29 और 30 अगस्त को छुट्टी रहेगी। नामांकन पत्रों की छटनी वो 3 सितंबर को 11 बजे से होगी। नामांकन पत्रों की वापसी होगी 4 सितंबर 11 बजे से 3 बजे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की सूची 4 सितंबर को घोषित की जाएगी और मतदान 12 सितंबर सुबह 8 बजे से 4 बजे तक और चुनाव का परिणाम 12 सितंबर को मतदान के पश्चात होगी। मतगणना और परिणाम ही घोषित उसी दिन हो जाएगा। 8 महीने पहले हुआ था चुनाव। बता दें कि पिछले साल 28 दिसंबर को के ही दिन धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 3048 वोटों के साथ कंवर सिंह ने जीत हासिल की थी और उन्हें चेयरमैन चुना गया, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में उन्हें बिना शपथ के ही अपना पद गंवाना पड़ा था। 12 सितंबर को होने वाले उपचुनाव में कांटे की टक्कर होने का कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ चुनाव आयोग के उपचुनाव करवाने के फैसले के बाद लग रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बने रहिए और चुनाव की, पंचायत चुनाव की जैसे ही कोई अधिसूचना आती है, पंचायत चुनाव के बारे में जैसे ही आपको आयोग बताता है, तो हम आपको सबसे पहले तुरंत अवगत करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।